अभी हम लोगों ने पायलट जो है वो चेंज किया है, नया पायलट हमारे पास दानियाल इस वक्त मौजूद है। ये जी ये शीशा वगैरह हम लोगों ने चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ खारिया कैंट में और मेरे साथ जो है इस वक्त मौजूद है यहिया शाह और हम दोनों इस वक्त निकल चुके हैं जी यहाँ पर जो है अपने घर से बाहर। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि भाई ये खारिया कैंट जो है इस वक्त उसकी जो हालत है आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ जो है रिहायशें हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो है ये एक हेलीकॉप्टर जो है ये पुराने ज़माने का यहाँ पर खड़ा है जी। चलें तो आपको यहाँ इसको करीब से दिखाते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ है वो सारा आपको दिखाते हैं, आपने जो है ना वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर देखा है और इसको भी ये जो है सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि भाई ये किस तरह का है, अगर ये चलाने के लायक है तो इसको लेते हैं अभी हम लोग अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर गांव में हमें ज़रूरत पड़ सकता है, वहाँ पर हम बाज़ार जाते हैं, मनसरा जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, कहीं पर हमें जाना पड़ता है तो उसके फिर हमें जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं इसको, इस कंडीशन देखते हैं किस तरह है, अगर कंडीशन इसकी अच्छी है तो इसको साथ ले जाते हैं, अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर इसको जो है ना इसको रहने देते हैं, क्योंकि बाकी कंडीशन इसकी कंडीशन तो ठीक है। आइए देखते हैं मज़ा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कंडीशन इसकी बिल्कुल ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर के पास और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है इसकी मेन एंट्रेंस यह है जी। यहाँ पर इसकी मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर पायलट के बैठने की जगह है। उसके अलावा यहाँ पर अंदर से आपको दिखाते हैं, पीछे से अगर रास्ता है ये जी, यहाँ पर इसके ऊपर जाने की जगह है ये जी। इसके पीछे जो है इसके इस तरह की हालत बनी हुई है, यहाँ पर बैठने के लिए सीट है, इस तरह बैठने की सीट है। यही अच्छा जो है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और ये इसका मेरे ख्याल से ये वाला गेट है, इसका ये साइड वाला गेट है और एक सीट इसकी ये है और एक सीट इसकी ये है साइड पे। यहाँ से जी छोटा सा रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते के ज़रिए से हम जाते हैं हम लोग आगे यहाँ पर फ्रंट पे, और इधर जो है यहाँ पर बैठने वाली सीट है पायलट सीट और साथ में छोटी सी विंडो बनी हुई है। फ्रंट का जो मिरर है शीशा जो है वो उस पर पेंट किया हुआ है। इस तरफ जो है इसकी जो इंजन वगैरह है वो तो निकाला हुआ है, लेकिन बाकी इसकी जो ये तारें वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा जी थोड़ा सा ड्राइव करते हैं इसको। अच्छा जी अभी जो है मैं जो पायलट की सीट है उसके ऊपर बैठ चुका हूँ और इसमें आपको फंक्शन सारे बता दूँ कि भाई इसके अंदर एक तो ये एक गियर लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से इसको लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए है, भाई हम इसको किस तरह मोड़ेंगे। इसमें जो बड़ी सी हैंड ब्रेक लगी हुई है, हैंड ब्रेक ये हैंड ब्रेक लगी हुई है, दोनों हाथों से इसको खींचना है क्योंकि बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, इसको जो है ना रोकने के लिए जब इसको उतारते हैं तो उसके लिए ये लगी होती है। उसके अलावा इसमें ये पाँव की रखने की जगह सामने, ये पाँव की जगह यहाँ से मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ से भी वो प्रेस होगा, तो इसका क्या फंक्शन है ये अभी तक मेरे को पता नहीं है। बहरहाल जी ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने जहाज़ जो है देखा है आज हेलीकॉप्टर और बड़ा मज़े का है। बाकी रिव्यू करवाते हैं इसका, नीचे से भी देखते हैं कि भाई इसके इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, वो सारा आपको दिखाते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर इनके साथ मेरा आर्मी वालों के साथ जो है मैं बातचीत चल रही है, अगर वो मुझे ये दे दें तो उनके साथ जो है मैं कोई सौदा वगैरह करके इनको ख़रीद लूँ, ख़रीद को मैं कहता हूँ मैं अपने साथ ले जाऊँ गाँव को और फिर वहाँ से जो है हमें कहीं इधर जाना होता है तो मैं फिर जो इसी के अंदर आ जाया करूँगा। तो अभी ऐसा है कि मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इनके साथ बातचीत हो जाए ताकि जो मैं इसको ले जाऊँ अपने साथ। सबसे पहले तो इसका यहाँ पर लगाएँ, ये जो इसका जो शीशा है ये वाला, ये शीशा नया करना है, ये शीशा नया करना है और वो वाला शीशा ये भी टूटा हुआ है, ये सारे शीशे नए करने हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने बैठने के लिए ज़बरदस्त सी जगह, प्यारी सी जगह बनानी है, बाकी इस तरफ भी एक सीट हम लोगों ने लगानी है, दो लोग हम लोग बैठ के जो हम लोग चलाएँगे और कोशिश करेंगे हम लोग इसको ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना है क्योंकि ज़रा थोड़ा सा पुराना मॉडल है तो ज़्यादा स्पीड से हम लोग नहीं चलाएँगे, हल्की स्पीड से हम लोग चलाएँगे। तो
चलें जी, बाकी इसका बाहर से जो रिव्यू आप करवाते हैं तो उसको भी देखना है। अभी हम लोगों ने पायलट जो है वो चेंज किया है, नया पायलट हमारे पास दानियाल इस वक्त मौजूद है और वो इस वक्त इसको ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा हल्की स्पीड से चलाना है, ठीक है ना, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना है क्योंकि ये इसके अंदर इतना जो है ना पावरफुल नहीं है, ये थोड़ा सा पुराने मॉडल का है। और ये इसका फ्रंट भी, ये जी ये शीशा वगैरह हम लोगों ने चेंज करना है, ये शीशा वगैरह इसका चेंज करना है। चलो ये जो है इस तरफ, और बाकी पंखे वगैरह इसके बिल्कुल ज़बरदस्त नए पंखे लगे हुए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी जूम करके दिखा देता हूँ आपको, नए पंखे लगे हुए हैं इस तरफ। ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमें हेलीकॉप्टर मिला है। तो भाई ये जो है ना, यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए बनाया गया है। और इधर जो है हम लोगों को ये चीज़ मिला है भाई, ये चीज़ इसके दांत आपको दिखाते हैं, सारे के सारे दांत इसके नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, इसके पूरे के पूरे 32 के 32 दांत नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो है इसके साथ करनी हम लोगों ने फाइट, तो देखते हैं फाइट जो है हम लोग जीतते हैं कि नहीं जीतते। चलो जी, चलो या या ये जीत गए हो हाथ धो ये जीत रहे, इसके साथ हमारे हाथ दुख रहे ना, ये बड़ा मजबूत बनाया हुआ है। देखो ना, 6 पैक एप 2 2 4 2 6 6 पैक एप जो है वो इसके बने हुए यहाँ पर। इस तरफ जो है यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क, अभी 12 बजे का टाइम है, इस वक्त यहाँ पर बच्चे नहीं होते, वो सेकंड टाइम होते हैं। आज तो संडे बहुत कम होते हैं यहाँ पे बच्चे, लेकिन सेकंड टाइम जो है यहाँ पर 3 बजे 4 बजे के टाइम जो है यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो खैर, यहाँ पर स्टैचू वगैरह बहुत बने हैं इस तरफ, ये देखें यहाँ पर बने हुए हैं। तो भाई हम लोगों को यहाँ पे मिला है भाई बनमांस, वो जो एक मूवी बनी थी किंग कॉन्ग पे, वो किंग कॉन्ग पे जो मूवी बनी थी उसके देखें जी यहाँ पर ये बनमांस बना हुआ हमें मिल गए वो वाला। तो ये बनमांस है जिस पे मूवी बनी थी और काफ़ी फेमस हुई थी वो मूवी। और ये देखें जी हमें यहाँ पर यहाँ पे हमें मिल गए। आगे जी देखते हैं सामने क्या कुछ है, करीब जाते हैं। खैर भाई, वो बनमांस के बाद हम लोगों को जो बड़ा टाइप का जो बंदर था वो हमें मिला। उसके बाद यहाँ पर जो है ये फैमिली पार्क है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पर जो है वो फवारे वगैरह लगे हुए हैं, करीब भी हम लोग जाते हैं। उसके अलावा जो है यही अच्छा जो है इस वक्त काफ़ी एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जी ये डायनासोर, और ये इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बाकी यहाँ पर इस तरफ जो है ये देखें जी बच्चों के खेलने के लिए जगह वगैरह बनी हुई हैं, फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। और चलते हैं जी आगे, क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पर एक ज़बरदस्त बात यह है कि इधर जो है ना, यहाँ पर ये यहाँ से जो है ट्रेन जो है वो निकली है इस जगह से, ये जो जगह यहाँ से वो निकली है यहाँ के, और वहाँ से होती हुई ये जी सामने पहुँच चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और मज़े की इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर जगह में इसका अपना जंक्शन बना हुआ है। अब जैसे ये जो बच्चा खड़ा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है गुजरात, और उसके अलावा जो है ये अभी यहाँ से होके ये इसका बाकायदा ट्रैक बना हुआ है और सीधा आगे जाएगी। अभी बहुत बड़ी स्पीड है इसकी इस वक्त, और जो है ये सामने इसके अंदर लोग बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, देख लें आप, गुजरात इन्होंने क्रॉस कर दिया, गुजरात अभी क्रॉस कर दिया, और देखते हैं भी यहाँ से आगे कितना टाइम निकल। तो भाई आपको बताते चलने कि कैंट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हम लोग घूमते घूमते जो है पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन ये कैंट ख़त्म नहीं होने वाला। तो खैर जी, अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है इस जगह में, अभी मगरब की नमाज़, और मगरब की नमाज़ के बाद अभी हम लोग यहाँ से करेंगे वापसी। तो खैर जी, ये जो मेरा ब्लॉग था ये सिर्फ़ सिर्फ आज जो है मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा टूरिस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कुछ है, बस पार्क्स वगैरह बने हुए हैं। और संडे का दिन है जी आज, यहाँ पर लोग जो है आते हैं अपने फैमिलीज बच्चों को लेकर। तो ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए वसीम शाह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।